आज 147वां दिन से 300 मांग को लेकर बैठे हुए हैं। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहानाबाद जिला पदाधिकारी श्री ऋचि पांडे बुधवार 22 जून को जहानाबाद जिला अंतर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के घेजन गांव में रूपसपुर सड़क निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर किसानों से मिलने और वहां की स्थिति की पूरी जानकारी लेने के साथ ही स्थल निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक निर्देश भी दिया। इस क्रम में धरना पर बैठे लोगों की मांगों को जिला पदाधिकारी ने गंभीरतापूर्वक सुना और उनसे बातचीत कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। जिला पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को बताया कि घेजन से रूपसपुर पुल तक सड़क निर्माण कार्य के लिए विभाग को DPR तैयार कर भेजा गया है। विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद को निर्देश दिया कि मॉनसून को ध्यान में रखते हुए तत्काल घेजन पैन में ह्यूम पाइप देकर आने जाने के लिए कच्चे रास्ते की मरम्मति कर वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। हर बुधवार को पंचायत में किए जाने वाले निरीक्षण में जिला पदाधिकारी ने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र मुरहरा में बिजली पानी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी रत्नी फरीदपुर को व्यवस्था करने का निर्देश दिया। किसानों द्वारा मुरहरा से सुरही तक सड़क में काम कराने के लिए आग्रह किया गया, जिसके लिए जिला पदाधिकारी ने शीघ्र कार्य करने का भी आश्वासन दिया है। जिला पदाधिकारी ने किसानों और ग्रामीणों को धरना समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि जिला स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में शिक्षकों की भी कमी है, जिसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही ग्रामीण ने बताया कि चिकित्सक और ANM नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं रहते, इसको लेकर भी जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को चिकित्सकों और ANM की उपस्थिति 100% सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हॉस्पिटल 24 घंटा संचालित जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। हॉस्पिटल 24 घंटा संचालित जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। इसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा बहाव है सर, पूरी हम लोग खुद रहते हैं ना। 4 फीट के भंगा दिया जाए, 5-5 को 10 ऊपर दिया जाए, ह्यूम पाइप ना, उस पर मिट्टी भराई का कार्य चल जाएगा, वहाँ भी बराबर हो जाएगा, आवाजाही के काम चल। ठीक, मैंने बोला RWD को दोनों काम कर, ह्यूम पाइप वाला भी और यहाँ पे भी, अगर कुछ मिट्टी डाल के उसको थोड़ा मोटी। ठीक है।